तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, मैं रवि ओपी शर्मा, सेकेंड जनरेशन आरसीएम बिजनेस, और पिछले 6-7 साल से लगातार इस बिजनेस में अपनी सेवाएं देने का प्रयास कर रहा हूं। और मुझे कहीं ना कहीं इस चीज का फक्र भी है, और मैं अपने आप में गर्व भी महसूस करता हूं कि 6-7 साल से लगातार इस खूबसूरत सिस्टम का मैं हिस्सा बना हुआ हूं। और इस खूबसूरत सिस्टम का मैं जो प्यार मुझे मिला, जो सम्मान मुझे सिस्टम के द्वारा मिला, शायद वो हिंदुस्तान के किसी भी बिजनेस के अंदर नहीं मिल सकता। तो मैं यहाँ पर आरसीएम का भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरीके से ये लोगों की जिंदगियां बदले। फ्रेंड्स, ये सिस्टम मेरे पिताजी ने चालू किया था। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि लगभग आज से 20 साल पहले ये आरसीएम बिजनेस हमारे परिवार में आया, और उसके पीछे क्या कारण थे जिस कारण से मेरे पिता ने इस बिजनेस को किया, वो चीज़ें आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा, वो चीज़ें मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। हो सकता है कि मेरी ये छोटी सी स्टोरी आपको प्रभावित करे, हो सकता है ये छोटी सी स्टोरी आपको मोटिवेट करे कि आप जिंदगी में कैसे सफलता पा सकते हैं और सफलता को मेंटेन कर सकते हैं, और किस तरीके से इन कार्यों से आपकी आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित हो सकती है। तो वो सब बातें आज मैं आप लोगों से यहाँ पर करने जा रहा हूँ। मेरे पिताजी बड़े गरीब परिवार से थे, और हमारी स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी। मेरे दादाजी एक मजदूर हुआ करते थे, और 10 बाय 10 के कमरे में किराए पे हमारा परिवार रहा करता था। उसी में खाना बनाया जाता था, उसी में सोते थे, उसी में रहा करते थे, टोटल 7 जने। फ्रेंड्स, बड़ा संघर्ष देखा है मेरे परिवार ने, और अक्सर मेरे दादाजी ये कहा करते थे कि मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं तुम सबको पढ़ा लिखा सकूं। तो अक्सर वो मेरे पिता से कहा करते थे कि बेटा, तुम ये पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो और किसी साइकिल की दुकान पर जाके टायर खोलने का काम सीखो, जिससे घर के खर्चों में तुम सहयोग करोगे। और मेरे पिता बोला करते थे कि नहीं, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे एजुकेशन लेनी है। दोस्तों, एक छोटा बच्चा जिस उम्र के अंदर खिलौनों से खेलता है, उस समय मेरे पिताजी ने कचोरी बेचने का काम चालू कर दिया था। और कचोरी बेचते बेचते उन्होंने अपनी स्कूल पूरी करी, कचोरी बेचते बेचते उन्होंने अपना कॉलेज भी पूरा किया। जब कॉलेज में, राजस्थान के अंदर एक जगह है अजमेर, उसमें एक कॉलेज है डीएवी कॉलेज, उस डीएवी कॉलेज से मेरे पिताजी ने अपना कॉलेज कंप्लीट किया। और जब वो कॉलेज में आए थे तो एक पैंट शर्ट से उन्होंने अपना पूरा कॉलेज निकाल दिया। कहते हैं कि संघर्ष एक इतिहास रचता है। जो आदमी संघर्ष से डर जाता है और जो आदमी संघर्ष से घबरा जाता है, वो वही का वही रह जाता है। और कुछ लोग होते हैं जो संघर्ष से टकरा जाते हैं, और जो संघर्ष से टकरा जाते हैं वो इतिहास बना जाते हैं। फ्रेंड्स, और आपके अंदर भी वो क्वालिटी है इतिहास बनाने की। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को आपकी ताकत बताने जा रहा हूं। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं जिंदगी की वो हकीकत बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से एक आम आदमी संघर्ष करके आगे बढ़ता है और अपने सपनों को एक उड़ान देता है। अरे, यहां पर सपनों को उड़ान तो देता ही देता है, साथ में अपने आने वाली पीढ़ियों की भी जिंदगी बना देता है। तो ये कहानी मेरे पिताजी की जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि जिस तरीके से उन्होंने अपना कॉलेज कंप्लीट किया, कॉलेज में आए, मेहनत करी, स्ट्रगल किया, और उसके बाद जैसे ही कॉलेज में से निकले, वो राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर एक शानदार उनको पोस्ट मिल गई। राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर वो ज्वाइंट डायरेक्टर बन गए, इक्विवेलेंट टू आईएएस ऑफिसर। और दोस्तों, उस समय जब मेरे पिताजी को ये पोस्ट मिली तो बहुत जल्दी उन्होंने तरक्की करी, बहुत जल्दी उन्होंने उन्नति करी। और 1999 और सन 2000 के आसपास मेरे पिताजी की एक महीने की सैलरी हुआ करती थी 25,000 रुपया महीना। अगर आज से कैलकुलेट करता हूं तो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपया महीना इनकम हम मान सकते हैं उसको। बहुत तेजी से उन्नति करी। लेकिन अक्सर मेरे पिताजी की एक सोच हुआ करती थी कि वो कभी सेटिस्फाई नहीं हुए। वो अक्सर, मुझे आज भी याद है कि जिस तरीके से हम छोटे थे, हमारे पास इतना समझ तो हुआ करती थी कि वो क्या कर रहे हैं, क्या उनकी प्लानिंग है, या क्या सोचा करते थे। तो मेरे फादर को इतनी अच्छी पोस्ट मिल गई थी, और सरकारी गाड़ी मिल चुकी थी, सरकारी बंगला मिल चुका था, और एक शानदार एसी कैबिन हुआ करता था उनका, चपड़ासी हमेशा बाहर बैठा रहता था, जिंदगी पहले से बहुत खूबसूरत हो चुकी थी। एक मजदूर का बेटा आज एक ऑफिसर बन गया, और जहां तक मैं समझता हूं कि जब किसी मजदूर का बेटा ऑफिसर बन जाता है या किसी एक अच्छी जॉब के ऊपर सेट हो जाता है, तो वहां पर वो सेटिस्फाई हो जाता है। मैक्सिमम कंडीशंस में ऐसा होता है, मैंने देखा है कि मैक्सिमम कंडीशन में ऐसा होता है कि जब एक मजदूर का बेटा, उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल जाती है, क्योंकि वो बिजनेस के बारे में कभी सोचता नहीं है, उसकी सोच हमेशा एक नौकरी की ही होती है, एक अच्छी जॉब मिल जाए उसको, यही वो सोच पाता है या इतना ही वो सोचता है। तो मेरे पिताजी भी ऐसा सोचा करते थे, और कई लोग भी सोचते हैं, और अधिकतर लोग जब इस पोजीशन पर पहुंच जाते हैं तो सेटिस्फाई हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मुझे बहुत कुछ मिल गया, मैं मतलब यहां पर सेट हो गया। तो मेरे फादर भी एक मजदूर के बेटे थे, उस पोजीशन पर पहुंच चुके थे, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं हुए। और अक्सर मैं उनसे, हम पूछा करते थे, मेरी मदर पूछा करती थी कि आप जब भी ऑफिस से आते हैं तो आप कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, आप सोचते क्या हैं? तो मेरे फादर अक्सर एक चीज बोला करते थे कि मुझे इससे भी बड़ा करना है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, वो बोला करते थे कि मुझे इससे भी बड़ा करना है। तो मेरी मदर अक्सर उनसे पूछा करती थी कि आप एक मजदूर के बेटे होके आज एक आप ऑफिसर बन गए, अच्छी खासी आपकी सैलरी है, आपके पास आज नौकर चाकर हैं, सरकारी गाड़ी है, सरकारी बंगला है, सब कुछ, इससे बड़ा क्या करना चाहते हो?
तो मेरे फादर बोला करते थे कि नहीं, मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूं, मुझे इससे भी बहुत आगे जाना है। और यहां पर मैं जितने भी लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि जिंदगी के अंदर कभी आप सेटिस्फाई मत होइए। अगर आप सेटिस्फाई हो जाएंगे तो आपकी प्रोग्रेस रुक जाएगी। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, कि आज भी बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग अभी भी सेटिस्फाई नहीं है। और मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूं, 75 साल के मिस्टर अमिताभ बच्चन जी अभी भी काम कर रहे हैं, अभी भी सेटिस्फाई नहीं है वो। नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो आज भी काम कर रहे हैं देश के लिए, वो अभी भी सेटिस्फाई नहीं है। जियो के मालिक, रिलायंस के मालिक जियो जिन्होंने खोला, वो अभी भी सेटिस्फाई नहीं है। रतन टाटा जिन्होंने पूरी जैगुआर को खरीद लिया, वो अभी भी सेटिस्फाई नहीं है। बिकॉज सेटिस्फेक्शन आपकी जिंदगी के अंदर आपको रोक देती है, आपको आगे नहीं बढ़ने देती। तो फ्रेंड्स, कभी सेटिस्फाई मत होइए। तो मेरे पिताजी भी सेटिस्फाई नहीं थे, वो कोई कारण, कोई रीजन, कोई विजन ढूंढ रहे थे कि मैं इससे बड़ा कैसे करूं और उसके पीछे क्या लॉजिक थे, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा आगे। तो कोई मौका नहीं मिल पा रहा था, वो समझ नहीं पा रहा था कि मैं इससे बड़ा कैसे करूं। और उनकी एक बात जो बहुत अट्रैक्ट किया करती थी हम सभी लोगों को, और मैं आप लोगों से वो बात शेयर करना चाहूंगा, शायद कहीं ना कहीं वो आपकी जिंदगी के अंदर बहुत काम आए। मेरे पिता एक चीज बोला करते थे कि अगर मैं मजदूर का बेटा होके एक जमाने के अंदर मैं कचोरी बेचा करता था, अगर मैं कचोरी बेच के मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली, और कचोरी बेचते बेचते एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद अगर मैं 25,000 रुपया महीना कमा सकता हूं तो मैं 25 लाख भी कमा सकता हूं। देखिए सोच की बात है यहां पर, आप किस तरीके से अपनी जिंदगी को लेते हैं। उनका यह मानना था कि अगर मैं 25,000 रुपया महीना कमा सकता हूं तो मैं 25 लाख भी कमा सकता हूं। ये सोच हुआ करती थी, और यही सोच आप लोगों को रखनी है। अगर आपने अपनी जिंदगी की शुरुआत 500 रुपए से करी और आप 5,000 पे पहुंचे, और 5,000 से 15,000 पे पहुंचे, और 15,000 से 50,000 पर पहुंचे, तो आप 5 लाख पर भी पहुंच सकते हो। ये सोच आपको डेवलप करनी है अपने दिमाग के अंदर, तभी आपका सक्सेस रेशियो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। और ये चीज हमें इसलिए डेवलप करनी है कि हम 50,000 के सेचुरेशन पॉइंट या 1 लाख से ऊपर सोचना ही नहीं चाहते, वहां तक सोच ही नहीं पाते या सोचने की कोशिश ही नहीं करते, डर लगता है कैसे होगा, होगा या नहीं होगा। अरे फ्रेंड्स, 50,000 पर भी तो आए हो, मेहनत करके पहुंचे हो, इसका मतलब 50,000 पर पहुंच सकते हो तो 5 लाख पर भी पहुंच सकते हो। ये उनकी बात मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी, हम जब छोटे हुआ करते थे। और इसी तरीके से इसी चीज को हम आगे लेके बढ़े मेरे पिताजी। मौका नहीं मिल पा रहा था, एक दिन एक शख्स भिलवाड़ा से आते हैं और कहते हैं कि जब आप किसी चीज को बहुत दिल से चाहते हो तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी आपकी मदद करता है, लेकिन वो पहले चेक करता है, अच्छा खासा आपको चेक करता है कि भैया तू लायक है या नहीं है। तो एक आदमी भिलवाड़ा से आए, उन्होंने बोला शर्मा साहब एक कंपनी आई है भिलवाड़ा से जिसका नाम फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड है, और ये टेक्सटाइल के अंदर बहुत लंबे समय से काम कर रही है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ये अभी लॉन्च हुई है, और एक खूबसूरत चीज है, एक खूबसूरत प्लान आप लोगों के लिए लेकर आई है। तो मेरे पिताजी ने उनसे पूछा कि क्या चीज है बताइए मेरे को। तो दोस्तों, एक समय कागज का किट आया करता था जिसमें 5 पेंटें हुआ करती थी, वो 5 पेंटें वो शख्स भिलवाड़ा से जयपुर हमारे पिताजी के पास लेकर आते हैं और उनके सामने रखकर बोलते हैं कि सर ये वो 5 पेंटें हैं और ये इस बिजनेस का प्लान है। उन्होंने एक लाइन बोली जो मेरे पिताजी ने को थोड़ी अजीब लगी, उस इंसान ने बोला था कि सर ये पहली कंपनी है हिंदुस्तान की जहां पर कपड़ा पहनने से पैसा आता है। क्या बोला उन्होंने? कपड़ा पहनने से पैसा आता है। तो मेरे पिताजी ने बोला भैया कपड़ा पहनने से तो पैसा जाता है कि नहीं सर, आज तक मार्केट के अंदर जो 10 वर्षों से चला आ रहा है वहां पर जब आप किसी कपड़े को परचेज करते हैं तो पैसा देते हैं, कपड़ा पहन लेते हैं, लेकिन ये पहला ऐसा सिस्टम आया है जहां पर आप कपड़ा पे भी पहनेंगे और पैसा भी कमाएंगे। तो मेरे पिताजी ने बोला कैसे? तो एक मार्केटिंग प्लान उनको दिखाया गया, और वही मार्केटिंग प्लान जो आज आप लोगों को दिखाया जाता है, जो आप लोग देखते हैं, और आप में से कई लोगों को समझ में आ गया, और जिन जिनको समझ में आ गया इस बिजनेस के, उस मार्केटिंग प्लान की गहराई को, आज वो सारे के सारे अच्छे खासा इनकम ले रहे हैं इस बिजनेस से। तो ये मार्केटिंग प्लान जब मेरे पिता को दिखाया कि सर वो मार्केटिंग प्लान क्या है, वो मार्केटिंग प्लान मेरे पिताजी ने देखा, और मुझे ये जहां तक मेरे को ध्यान में आ रहा है जब मार्केटिंग प्लान उनको दिखाया बहुत अच्छे तरीके से, तो मेरे पिताजी ने उनको बोला कि तू 2 या 3 दिन बाद आना। उनको 2-3 दिन बाद फिर बुलाया, वो शख्स वापस भिलवाड़ा से आते हैं। भिलवाड़ा से आने के बाद वो शख्स एक फॉर्म लेकर आते हैं, उस समय एक येलो रंग का फॉर्म चला करता था और पूरा उसका बंडल आया करता था। तो मेरे पिताजी ने उसमें से एक फॉर्म फाड़ा, उसके ऊपर साइन कर दिया, उसमें कपड़े की कितना कौन सा वाला किट चाहिए वो किट लिख दिया, एंड वो कपड़ा उन्होंने ले लिया। और उसको ये बोला कि तुम एक काम करो कि इस कंपनी का की प्लानिंग वगैरह क्या है, मैं भिलवाड़ा चल के देखना चाहता हूँ। तो मेरे फादर भिलवाड़ा गए, भिलवाड़ा जाके उन्होंने इसकी पूरी प्लानिंग को देखा, सिस्टम को समझा, कंपनी के ऑनर ऑनरेबल श्री तिलोकचंद छाबड़ा जी से मिले, उसके बाद उनको इस बिजनेस की वो ताकतें समझ में आई। और आज मैं ऐसा समझता हूं कि मेरे फादर ने इस बिजनेस की वो ताकत को उस समय समझ लिया था, उस समय देख लिया था कि बिजनेस आने वाले समय में क्या दे सकता है। इतनी दीवानगी, इतनी हद तक वो काम करते थे डेप्थ में जाके, जिसकी कल्पना में बातों में आपके सामने नहीं रख सकता। फ्रेंड्स, उन्होंने इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपनी नौकरी साइड में रख दी,
उन्होंने इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए दिन रात मेहनत करी। और हमें आज भी याद है कि पूरी कॉलोनी के अंदर से उन्होंने सबको आरसीएम बता दिया था। और सबसे आश्चर्य की बात, जिन जिनको आरसीएम बताया किसी ने ज्वाइन नहीं किया, किसी ने भी विश्वास नहीं किया। हमारे पड़ोसी को जाके मेरे पिता ने बोला कि भैया ये कपड़े का किट है, इस किट को आप ले लीजिए, इस कपड़े को पहनने से पैसा आता है। तो पड़ोसी बोला शर्मा जी नौकरी चली गई है। दूसरे पड़ोसी को बोला तो उससे बोला शर्मा जी थैला खरीद लीजिए, थैले के ऊपर कपड़े बेचिए। विश्वास नहीं होता था लोगों को कि ऐसा भी हो सकता है क्या, ऐसा भी पॉसिबल है क्या। लेकिन मेरे फादर को विश्वास था कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा। उनकी एक सबसे अच्छी क्वालिटी ये लगा करती थी कि जब भी उनको कोई मना करता था तो उनकी एनर्जी का लेवल बढ़ जाता था। जब भी उनको कोई ना करता था तो वो अगले दिन उस एनर्जी को और कई गुना बढ़ा लिया करते थे। उनको बड़ा मजा आता था, उनको इतना मजा आता था, वो कहते थे कि मैं जितना ज्यादा ना सुनूंगा उतना ज्यादा मजबूत होऊंगा, क्योंकि जितना ज्यादा ना सुनूंगा तो उतने ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, और जितने ज्यादा सवाल पैदा होंगे उतने सवालों के आंसर देने की मेरे अंदर हिम्मत पैदा होगी और उतना मैं स्ट्रांग होता चला जाऊंगा। ये उनकी सोच हुआ करती थी, और यही सोच उनको बहुत आगे तक लेकर गई। आज काफी लोगों ने मना किया, एक्सेप्ट नहीं किया, लोगों ने कहा नहीं ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो हारे नहीं, रुके नहीं, लगातार चलते रहे, लगातार मेहनत करते रहे, क्योंकि उसको उनको इस बिजनेस का विजन नजर आ रहा था। एक दिन हम सब ने पूछा उनसे, मेरी माँ ने पूछा कि आखिर आप इस बिजनेस के पीछे इतने दीवाने क्यों हैं, क्या कारण है कि आप इतने पागल हैं इस बिजनेस के पीछे। तो मेरे पिताजी ने बोला कि तुम जानना चाहते हो मैं इस बिजनेस के पीछे इतना दीवाना क्यों। तो उन्होंने तीन रीजन दिए थे, वो तीन कारण जो थे आज भी मेरी समझ में आ गए थे और आज भी हमें वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करते हैं और शायद मेरी भी जिंदगी के अंदर बहुत काम कर रहे हैं। वो तीन रीजन, पहला रीजन उन्होंने कहा था, आने वाले समय के अंदर नौकरियां खत्म हो जाएगी और आज ये जो मेरा बेटा है जब ये 25 साल का हो जाएगा और अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेगा और उस समय नौकरियां नहीं बचेगी तो ये क्या करेगा। उनका पहला जो तर्क वितर्क जो उन्होंने हमसे किया, उनका पहला जो उन्होंने रीजन हमें दिया वो ये था, क्या करेगा मेरा बेटा, भविष्य की बात कर रहे थे, वो आने वाले समय की बात कर रहे थे। और दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण आदमी, सबसे इंटेलिजेंट आदमी वही होता है जो समय को समय से पहले पहचानने का प्रयास करे। आप में भी सब क्वालिटी है, आप भी समय को समय से पहले अगर पहचानना सीख गए तो ये आरसीएम आपकी जिंदगी बना देगा। पूछा उनसे, मेरी माता का पास कोई जवाब नहीं था, मेरी माता चुपचाप थी। दूसरा सवाल उन्होंने हमारे से किया कि कल को अगर मैं 25 से 50 लाख रुपया लगा के रवि के लिए फैक्ट्री या दुकान खोल देता हूं, क्या गारंटी है कि उसको डबल कर देगा, या क्या लगता है तुम्हें जो पुराने मगरमच्छ मार्केट में पिछले 50-50, 100-100 साल से बैठे हैं वो बिजनेस में इसको सक्सेस होने देंगे क्या। तो हमारे पास जवाब नहीं था, हमने कहा कोई कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है। तीसरा उन्होंने कहा था कि खेती करेगा ये, इतनी एजुकेशन करने लेने के बाद आपको लगता है ये खेती करेगा। मैंने कहा खेती तो कोई नहीं करेगा इतना पढ़ने के बाद, जनरली लोग खेती पे थोड़ा कम विश्वास करते हैं। अब ऑप्शन क्या बचता है। तीन कारण उन्होंने ये दिए थे और उन्होंने चौथा इनका रीजन बताया था कि आखिर में ये डायरेक्ट सेलिंग क्या दे सकती है। उन्होंने कहा था ये आरसीएम बिजनेस में मेरे लिए नहीं कर रहा, सरकार मुझे 25,000 रुपए एक महीने की इनकम दे रही है, अच्छी खासी सैलरी दे रही है, और कल को मैं जब रिटायर होऊंगा या इस दुनिया में नहीं रहूंगा तब भी मेरी इनकम अच्छी खासी हो जाएगी। ये आरसीएम बिजनेस मैं रवि के लिए कर रहा हूं कि दुनिया के अंदर आने वाले समय के अंदर अगर इसको नौकरी नहीं मिलती या ये बिजनेस में सफल नहीं होता, ट्रेडिशनल बिजनेस की बात कर रहा हूं, तो ये आरसीएम बिजनेस ही इसको संभालेगा। और ये दुनिया का पहला ऐसा व्यापार है कि जहां पर आपने इस बिजनेस को छोड़ दिया या आपने इस बिजनेस में नहीं रहे और आप जिस लेवल पर हो उसके बाद आपका बेटा उसी लेवल से इस बिजनेस को चालू करेगा। ये इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत थी जो उन्होंने उस समय में बताई। उन्होंने उस समय हमें इस चीज की भावनाओं को समझाया और समय से पहले उन्होंने इस भावनाओं को हमारे सामने रखा कि ये बिजनेस क्या दे सकता है। उन्होंने कहा था कि आने वाले समय के अंदर ये बिजनेस परिवार को संभालेगा। और फ्रेंड्स, जब ये बातें उन्होंने उस समय बोली थी वो आज सारी बातें सच हो रही है। आप सोच कर देखिए, एक आईएएस ऑफिसर अपने बेटे को आईएएस ऑफिसर नहीं बना पाते, एक इंजीनियर अपने बेटे को इंजीनियर नहीं बना पाते, एक डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर नहीं बना पाते, यहां तक कि एक नेता भी अपने बेटे को कभी कभी नेता नहीं बना पाते, अभिनेता भी अपने बेटे को कभी कभी अभिनेता नहीं बना सकते। आज इतनी शोहरत कई अभिनेताओं ने ली है, क्या उनके बेटों ने ली है? नहीं ली है। एक बिजनेसमैन अपने बेटे को बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं बना पा रहे, लेकिन आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर अगर उसने इस बिजनेस की रॉयल्टी ले ली या इसका टेक्निकल ले लिया तो उनका बेटा वही बनेगा जो लेवल वो छोड़ेंगे। ये ताकत इस बिजनेस की जो मेरे पिता ने समझी और आज उसी कारण से मैं आप लोगों के सामने यहां पर मौजूद हूं, आपके सामने बैठा आप लोगों से बात कर रहा हूं। फ्रेंड्स, समझिए इस बिजनेस की ताकत को, इसके बिजनेस की उस गहराई को। उन्होंने कहा था सन 2001 के आसपास, उन्होंने एक बात और बोली थी कि आज ये बिजनेस में एक पैंट पीस ही है लेकिन आने वाले समय के अंदर इसके प्रोडक्ट की लाइन लग जाएगी।
आने वाले समय के अंदर ये बिजनेस ऑनलाइन होगा। आने वाले समय के अंदर आरसीएम बिजनेस के अंदर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन देख पाएंगे। आने वाले समय के अंदर हिंदुस्तान में आरसीएम बिजनेस की बहुत सारी दुकानें होंगी। आने वाले समय के अंदर आरसीएम बिजनेस के बड़े बड़े शोरूम बनेंगे। ये उन्होंने उस समय बोली थी बातें, और हमें अजीब लग रहा था कि पिताजी पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन आज जब उनकी वो बातें मैं याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सर दोस्तों वो सारी बातें उनकी आज डायरी में लिखी हुई थी। उस समय आज वो सब कुछ हो रहा है जो उन्होंने उस समय सोचा था। आज वो सब कुछ हो रहा है जो उन्होंने उस समय कमिटमेंट किया था अपने आप से। आज वो सब कुछ हो रहा है जो उन्होंने उस समय भविष्य को पहले ही देख लिया था। आज मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है। 23 फरवरी 2013 को उनका देहांत हो गया। आज लगभग 6-7 साल से ऊपर हो गए मेरे पिता को गए हुए इस दुनिया से। लेकिन आज इस आरसीएम बिजनेस ने मेरे परिवार को संभाला। आज इस आरसीएम बिजनेस ने मेरे परिवार को उस मुकाम पर लाके खड़ा कर दिया जिस मुकाम की हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अगर आज मेरे पिताजी ने इस आरसीएम बिजनेस की गहराई को नहीं समझा होता तो आप लोग बताइए ये रवि शर्मा क्या कर रहा होता जयपुर के अंदर। आज उनके द्वारा की गई मेहनत के अंदर मैं कोशिश करता हूं कि मैं इस मेहनत को कई गुना बढ़ाऊं। आज मैं प्रयास कर रहा हूं उनके द्वारा जो एम्पायर मुझे मिला उस एम्पायर को मैं कई गुना आगे लेकर जाऊं। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है और मैं लगातार पिछले 6-7 साल से कर रहा हूं। लेकिन अगर ये एम्पायर ये एक शानदार दूसरे शब्दों में बोले वट वृक्ष, ये अगर वेट वट वृक्ष मुझे नहीं देते, ये आरसीएम रूपी अगर ये वट वृक्ष मेरे पास नहीं होता तो मैं क्या करता। और मेरे जैसे कई लोग हैं दुनिया में जिनके पिताजी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज उनकी हालत ऐसी है कि ना वो आज नौकरी कर पा रहे हैं ना आज वो बिजनेस कर पा रहे हैं। क्योंकि घर का मुखिया जब घर छोड़ के जाता है तो उस घर को लोग बर्बाद करने के लिए, ये इस दुनिया का कड़वा सत्य है और कई जगह पर होता है। मैं ये नहीं कहता हर जगह हो रहा है, लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि जब घर का मुखिया घर छोड़ के चला जाता है तो उस परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है, क्योंकि इनकम का जरिया बंद हो जाता है, इनकम नहीं मिल पाती, खर्चे नहीं चला पाता वो। उस समय वो आदमी क्या करेगा। आज उन्होंने मेरे पिता ने इस बिजनेस की गहराई को देखा तो आज आप लोगों के सामने मैं यहां बैठा हूं। और आज मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी है, आरसीएम बिजनेस से बंगला है, आरसीएम बिजनेस से मेरे परिवार को इतनी खुशियां दी कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और यही चीज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि फ्रेंड्स इस बिजनेस की ताकत को समझिए। बड़ा गर्व होता है कि जब मैं अपनी कॉलोनी के अंदर से अपनी शानदार गाड़ी से निकलता हूं तो पड़ोस वाले जो रिश्ते हमारे पड़ोसी हुआ करते थे वो अपने बेटे को थप्पड़ मार के बोलते हैं कि बेटा तूने जिंदगी में क्या किया, इसको देख शानदार गाड़ी में घूम रहा है। तो बेटा थप्पड़ खाने के बाद बोलता है कि 18-19 साल पहले इसके पापा आपको आरसीएम समझाने आए थे, तब आपको समझ में नहीं आई थी क्या। उस समय अगर आपको आरसीएम समझ में आ जाता तो आज मेरे पास भी लंबी लंबी गाड़ियां होती। मैं यहां पर आप लोगों को यह समझाना चाहता हूं कि जिस आदमी ने आज आपको आरसीएम बिजनेस बताया है, जिस आदमी ने आपको आरसीएम बिजनेस की गहराई समझाई है, जिस आदमी ने आपको आरसीएम की डिटेल दी है, उसको हल्के से मत लीजिए, नहीं तो कल को वही हाल होगा जो मेरे पड़ोसी का हो रहा है। सपोर्ट कीजिए इस बिजनेस की ताकत, उसकी गहराई को समझिए फ्रेंड्स। ये बिजनेस क्या दे सकता है, इसकी प्लानिंग क्या है, कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ आपको डिसीजन लेना है और वही काम करना है जो बरसों से करते आ रहे हैं। नहाते हम बरसों से हैं, कपड़े हम बरसों से धो रहे हैं, घर में हल्दी धनिया मिर्ची हम बरसों से काम में ले रहे हैं, तेल हम काम में ले रहे हैं, वो सारे सामान जो आज आप आरसीएम आपको दे रही है। सिर्फ अपनी दुकान बदलने से अगर किस्मत बदल सकती है, अगर मात्र दुकान बदलने से हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी बदल सकती है, अगर दुकान बदलने से हमारे बच्चे की किस्मत बन सकती है, तो इसमें बुरा क्या है। और आप यहां से नहीं खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं से तो खरीदेंगे, सामान तो आपको काम में लेना ही पड़ेगा। आप चाहे आरसीएम का लो चाहे बाहर से लो, बाहर से लोगे तो किसी और की बच्चे की जिंदगी बन जाएगी, और आरसीएम से लोगे तो आपके परिवार और आपके बच्चे की जिंदगी बन जाएगी। निर्णय आपको लेना है, काम तो करना पड़ेगा भैया, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब डिसीजन आपका है कि कौन सा ट्रैक सबसे शानदार है और कौन सा बिजनेस सबसे शानदार आपकी जिंदगी बना सकता है। व्यापार तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि बाहर भी आप व्यापारी कर रहे हैं, आप बाहर से जो सामान खरीद रहे हैं वो व्यापारी है, क्योंकि आपके द्वारा खरीदे हुए सामान से कई लोगों की जिंदगियां बन रही है। और यहां पर आप जो सामान खरीदेंगे उससे आपकी जिंदगी बनेगी, निर्णय लेना है। और 20 साल से हम लगातार ये चीज समझाने का प्रयास कर रहे हैं। 20 साल पहले भी जब मेरे पिता ने बिजनेस चालू किया था तो लोग कहा करते थे ये नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज 20 साल हो गए, अभी भी लोग कहते हैं, कई ज्ञानी कहते हैं ये नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो फिर चलती कैसे, फिर कैसे चलती है, फिर चलने का क्राइटेरिया क्या होता है, मेरी समझ से तो बाहर। फ्रेंड्स आरसीएम को चेक मत करो, हो सकता है आरसीएम आपको चेक कर रही हो कि भैया तू करोड़पति बनने लायक है, कंपनी के पास प्रोडक्ट्स की लाइन है, और सबसे बड़ी बात ये हिंदुस्तान की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है। परचेज बहुत कम प्रोडक्ट बाहर से करती है, आरसीएम मैक्सिमम प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर कर रही है। मतलब कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और किसके लिए, हमारे भविष्य के लिए, कि हम सिक्योर हो जाए,
हम किसी के सामने जाके 10-20 हजार के लिए हाथ न फैलाएं, हमारा बेटा किसी के सामने जाके हाथ न फैलाए। ये ताकत आप लोगों को आज समझनी पड़ेगी, ये पावर आप लोगों को समझनी ही पड़ेगी। आज तक हमने किसी भी ब्रांड की चर्चा करी, हमें क्या मिला? आज तक हमने किसी ब्रांड की बात करी, हमें क्या मिला? अगर आज आरसीएम ब्रांड की आप बात करते हैं तो दो बेनिफिट मिलते हैं। पहला, आप खुद ब्रांड बन जाते हैं। आरसीएम आज आपको हिंदुस्तान में ब्रांड बनने का मौका दे रही है। और याद रखो फ्रेंड्स, जो आदमी ब्रांड बन गया वो आदमी नहीं बिकता, ब्रांड बिकता है। आप उठा के देख लीजिए, आज माननीय श्री अमिताभ बच्चन जी ब्रांड बन गए, वो बिक रहे हैं क्योंकि वो ब्रांड बन चुके हैं। इसलिए ब्रांड बनना सीखिए, और आरसीएम में सिखाती है, आरसीएम आपको ब्रांड बनना सिखाती है। ये पहली ऐसी कंपनी है। और सोच कर देखिए, अभी तक हम लोगों ने दूसरों का ब्रांड को बेचा चर्चा कर करके, हम कभी ब्रांड नहीं बन सके। लेकिन आरसीएम ये कहती है कि मेरे प्रोडक्ट की चर्चा करो तो तुम भी ब्रांड बन जाओगे। कितनी बड़ी ताकत दे रही है आरसीएम हमारे को, इस चीज को समझना पड़ेगा। और ये तभी समझ पाओगे जब आप अपने टाइम को किल नहीं करोगे, आरसीएम में इन्वेस्टमेंट करोगे, तो आरसीएम आपको ब्रांड बना देगी और हिंदुस्तान में पहुंचा देगी। इस चीज पर आपको सोचना पड़ेगा, आपको फिर सोचना पड़ेगा एक बात के ऊपर, बहुत अच्छे तरीके से सोचना पड़ेगा। आप सोच कर देखिए, एक आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर आपके पास आता है ये बिजनेस लेकर, आपको ये बिजनेस बताता है, आपको इस बिजनेस की ताकत बताता है, इस बिजनेस की गहराई बताता है। वो आपको ये सिखाता है कि भैया दुकान बदलने से, दुकान चेंज करने से हमारे घर में इनकम आ सकती है। अब देखिए हमारी मेंटेलिटी कैसे काम करती है। वो आदमी जो हमें बिजनेस बता रहा है वो हमारा पड़ोसी होगा, हमारा रिश्तेदार होगा, हमारा जानकार होगा, वही आपको आरसीएम बताएगा। Am I right या wrong? अगर agree करते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वो आपको बिजनेस बताएगा, राइट सर? अब जब वो आपको बिजनेस बताने आता है तो हम उसको शक की निगाहों से देखते हैं, हम उसको इस तरीके से देखते हैं कि मेरा दुश्मन आ गया। और यहां पर आश्चर्य देखिए, एक आदमी जो आपसे लाखों किलोमीटर दूर बैठा है, हजारों किलोमीटर दूर बैठा है, टीवी पर विज्ञापन करता है, और वो विज्ञापन करके आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताता है, जो आपका रिश्तेदार नहीं है, जो आपका दोस्त नहीं है, जो आपका जानकार नहीं है, उसकी बात आपको एक झटके में समझ में आ जाती है, हमको एक झटके में समझ में आ जाती है। और हम में से हमारा पड़ोसी, हमारा रिश्तेदार और हमारा दोस्त जब यह बिजनेस हमें बताता है तो वो हमें समझ में नहीं आता। वो प्रोडक्ट समझ में आ रहा है जिसको वो टीवी पर विज्ञापन करने वाला भी काम में ले रहा है या नहीं ले रहा, हमें नहीं पता। वो जिसका विज्ञापन टीवी पर दिखा रहा है वो खुद उस प्रोडक्ट को काम में ले रहा है या नहीं ले रहा, हमें नहीं पता। लेकिन हमारा ही कोई जानकार जिसे हम बरसों से जानते हैं, वो आरसीएम के प्रोडक्ट को काम में लेके उसकी तारीफ करता है तो हम उसको डाउट से देखते हैं, उसको शक की निगाहों से देखा जाता है। और जिसको हम नहीं जानते उस पर हम भरोसा करके उसको खरीद लेते हैं। तो मुझे बताइए, क्या ये सही कर रहे हैं? आपको लगता है आप ये सही कर रहे हैं? क्या ये सही है? और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सही हो रहा है तो ये बरसों से हो रहा है, और बरसों से हो रहा है तो मुझे बताइए, इस पूरी सिनेरियो के अंदर जो ये काम बरसों से हो रहा है, पैसा किसने कमाया? जिंदगी किसकी सिक्योर हुई? परिवार किसके सिक्योर हुए? और हम लोग जिस ब्रांड को बरसों से खरीदते आ रहे हैं, हम वहीं के वहीं हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। और एक ब्रांड ऐसा है जिसका नाम आरसीएम है, उसके प्रोडक्ट खरीदने से हम खुद ब्रांड बन रहे हैं, तो हमें समझ में नहीं आ रही है। अजीब बात नहीं लगती? इसकी डेप्थ को सोचेंगे तो हकीकत में अजीब लगेगा। मैं यंगस्टर्स को देखता हूं, यूथ को देखता हूं, नए यूथ ब्रांड के पीछे भाग रहे हैं। ब्रांड आ गया। आप ब्रांड के पीछे इतने दीवाने हो चुके हैं। और वही ब्रांड कुछ समय बाद ये बोलता है कि भैया मैं डिस्काउंट पर आ गया। समझना, आप जिस ब्रांड के पीछे भाग रहे हैं, कुछ समय एक सेल लगती है मार्केट के अंदर, और सेल लगने के बाद वही ब्रांड बोलता है कि मैं 70% ऑफ पर मिल रहा हूं, 60% ऑफ में मिल रहा हूं। तो इसका मतलब हम पहले पागल थे कि हम 60% पैसा ज्यादा देकर खरीद रहे थे? कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई रेट्स का क्राइटेरिया नहीं है। मन माय जो रेट्स वहां फिक्स कर दी जाती है और हम खरीदते हैं। और बहुत अच्छा एग्जांपल मैं यहां पर देता हूं आप लोगों को कि जब पूरा हिंदुस्तान बंद है आज की तारीख के अंदर, वहां पर एक कंपनी आरसीएम लगातार लोगों के घरों में इनकम पहुंचा रही है। और मुझे बड़ा खुशी हो रही है आप लोगों को ये बताते हुए, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं अभी पिछले महीने लोगों ने अपने स्टेटमेंट फेसबुक पर डाले, मैं अप्रैल महीने की बात कर रहा हूं, अप्रैल महीने के अंदर जब लोगों के पे आउट आरसीएम के द्वारा बने, ये देखिए मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, जितने भी डायरेक्ट सेलर है वो भी और जितने नए लोग हैं वो भी, पिछले महीने आरसीएम बिजनेस ने लोगों के घरों में इनकम पहुंचाई, पे आउट बनाए, और पे आउट जब आरसीएम ने डेवलप किए, लोगों के घरों में इनकम पहुंचा दी, लोगों के पास पैसा पहुंच गया, लोगों ने अपने स्टेटमेंट फेसबुक के जरिए शेयर किए। मेरी बात समझना है यहां पे, लोगों ने अपने स्टेटमेंट फेसबुक के द्वारा शेयर किए, और कईयों ने अपने स्टेटमेंट अलग अलग रेट से, किसी ने 500 रुपए का था तो वो शेयर किया, किसी ने 5,000 का था तो वो शेयर किया, किसी ने 50,000 का था वो भी शेयर किया। उस समय उन लोगों ने वो स्टेटमेंट शेयर नहीं किए थे, उस समय उन लोगों ने ये किसी को नहीं बताया था कि मुझे आरसीएम से क्या आया है, उस समय उन लोगों ने अपनी भावनाएं शेयर करी थी।
उन्होंने उस समय अपने अंदर के आत्मविश्वास को शेयर किया था। उन लोगों ने उस स्टेटमेंट के जरिए ये भावना आप लोगों को समझाने का प्रयास किया कि जहां पर आज पूरा विश्व पूरा देश रुका पड़ा है, वहां पर आज भी आरसीएम हमारे घरों में पैसा पहुंचा रही है, जबकि पिछले एक महीने से हम सब घरों में बैठे हैं। बात को गौर कीजिएगा, पिछले एक महीने से हम सब घरों में बैठे हैं, उसके बावजूद भी आरसीएम के द्वारा ये इनकम हमारे घर में आई। ये भावना उन लोगों ने फेसबुक के माध्यम से आप लोगों से शेयर करी। ताकत समझिए कि वो अपनी भावनाएं आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं और आपको बताना चाह रहे हैं कि आ जाओ हमारे साथ, हमारे सिस्टम को समझो, हमारी ताकत को समझो, हमारी पावर को समझो कि किस तरीके से ये बिजनेस आपकी जिंदगी को बना देगा। उन भावनाओं को अगर आज आप समझ चुके हैं या उन भावनाओं को आप समझ पा रहे हैं तो प्लीज पांच साल ईमानदारी से सिस्टम को आप दे दीजिए। ये 5 साल के अंदर सिस्टम आपकी जिंदगी को पूरा बदल के रख देगा, लेकिन आपको कमिटमेंट और ईमानदारी के साथ देना पड़ेगा और यहां पर आपको लगातार आरसीएम के साथ बना रहना पड़ेगा, तो आरसीएम आपकी जिंदगी बदल के रख देगा। मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने ईमानदारी से आरसीएम को अपनी भावनाएं दी तो आरसीएम अपनी भावनाएं ईमानदारी से आपको दे देगा। आपको कभी भी जिंदगी के अंदर चैलेंज नहीं आएंगे, चाहे वो इनकम के हो, चाहे वो परिवार की सुरक्षा के हों, चाहे वो लोगों के सम्मान के हों, चाहे वो रिलेशन के हों, चाहे वो किसी भी तरह के हिंदुस्तान के किसी कोने में आपका घूमना हो, किसी भी तरह का कोई चैलेंज आपके साथ डेवलप नहीं हो सकता, क्योंकि ये नेटवर्क काम करता है और जहां पर नेटवर्क काम करता है वहां पर लाखों लोग आपको जानते हैं और जब लाखों लोग आपको जानते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी एक इमेज, आपका एक पर्सनैलिटी डेवलप हो चुकी होती है और आप एक ब्रांड बन चुके होते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, मेरा ऐसा मानना है कि ये हिंदुस्तान का पहला ऐसा सिस्टम है, ये हिंदुस्तान की पहली आरसीएम ऐसी कंपनी है जिसने कभी किसी से ये नहीं पूछा कि तू कितना पढ़ा लिखा है, तू किस गांव का है, तू किस शहर का है, तू किस स्टेट का है, तू किस जात का है, तू किस समाज का है, कभी किसी से नहीं पूछा। और आप चेक कर लीजिए, आज आरसीएम के बाहर की दुनिया में आपको दिखाने का प्रयास करता हूं, एक आदमी जिंदगी के अंदर किस तरीके से उसको काम मिलता है। अगर 12वीं पास है, चपरासी बना दो, कॉलेज के अंदर थोड़ी बहुत उसने डिग्री ले ली है, बाबू बना दो, इंजीनियर है 15,000-20,000 सैलरी दे दो, डॉक्टर है 25,000-50,000 रुपए सैलरी दे दो। मैं यहां पर यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आज बाहर की दुनिया के अंदर हमारी एजुकेशन की औकात को नाप के हमें काम दिया जाता है। जितनी हमारी एजुकेशन की औकात होती है उस हिसाब से हमें हमारी औकात दिखा दी जाती है कि भैया तू ये है तो तुझे इतनी सैलरी मिलेगी। बिजनेस की बात करता हूं तो बिजनेस के अंदर भी आजकल लोग पूछने लग गए, भैया ये काम जानते हो, लकड़ी का काम जानते हो तो लकड़ी का काम करोगे, लोहे का काम जानते हो तो लोहे का काम करोगे। अरे यहां तक कि खेती के अंदर भी आज लोग पूछते हैं कि भैया बीज बोना आता है, हल चलाना आता है, पानी देना आता है, सब्जियों की इनकी देखरेख करना आता है तो तुझे काम दूंगा। मतलब ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं, चाहे नौकरी हो, चाहे कोई बिजनेस हो और चाहे खेती हो, हर काम के अंदर इंसान की औकात को नाप के उसको काम दिया जाता है कि तेरी जितनी हैसियत होगी या तेरी जितनी नॉलेज होगी उतनी तेरे को सैलरी दी जाएगी। और ये आरसीएम पहला सिस्टम है जिसने कभी किसी से नहीं पूछा कि तू कितना पढ़ा लिखा है, तू किस गांव शहर का, जैसा मैंने भी आप लोगों को बताया, ये कभी किसी से ये नहीं पूछता, ये सिर्फ एक ही चीज पूछता है कि भैया कपड़े पहनते हो, आप जवाब देंगे बिल्कुल पहनता हूं। ये दूसरा सवाल करता है, भैया हल्दी धनिया मिर्ची सर्फ साबुन खाते हो, आप जवाब देंगे बिल्कुल खाता हूं। तो आरसीएम बोलता है कि इसका मतलब आपका स्वागत है मेरे बिजनेस के अंदर, आप जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा कर सकते हो। याद रखिए, यहां पर मैं फिर समझाने का प्रयास कर रहा हूं आप लोगों को कि दुनिया के हर फील्ड के अंदर औकात के या औकात नाप के हमें काम दिया जाता है। ये पहला सिस्टम है जहां पर अगर आप 5वीं पढ़े हुए भी हो, आप दूसरी पढ़े हुए भी हो, आप बिना पढ़े लिखे भी हो, आप डॉक्टर भी हो, आप इंजीनियर भी हो, आप बिजनेसमैन भी हो, आप नौकर भी हो, आप मजदूर भी हो, आप कुछ भी हो, कभी आरसीएम आपसे ये नहीं पूछेगा कि तेरी क्वालिफिकेशन, तेरा एजुकेशन, तेरा सिस्टम क्या है, कुछ भी नहीं पूछेगा। सिर्फ एक ही चीज पूछेगा, अगर तेरे में कमिटमेंट है और अगर तू बड़ा करना चाहता है तो हम तेरा स्वागत करते हैं। और यही आरसीएम ने शुरू के 20 साल से लेकर अब तक सिखाया। यहां पर आरसीएम एक ही चीज चेक करता है, वो है आपका विश्वास, आपका कमिटमेंट, आपका जोश, आपकी एनर्जी, कि आपको सफलता की कितनी भूख है। अगर ये भूख आपने जागृत कर दी तो आरसीएम आपकी जिंदगी को बदल देगा। इन चीजों को आपको आज देखना पड़ेगा, वापस से मैं बोल रहा हूं समझना पड़ेगा, ये लाइन में बार बार क्यों बोल रहा हूं समझना पड़ेगा, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप डिसीजन लोगे नहीं, जब तक आप कैलकुलेशन करोगे नहीं तब तक आप डिसीजन लोगे नहीं, जब तक आप अपने दिमाग को घिसोगे नहीं तब तक आपको आरसीएम समझ में आएगा नहीं। फ्रेंड्स, चेक करना बंद कर दीजिए, बहुत चेक कर लिया लोगों ने, रिजल्ट क्या मिले? जिन्होंने चेक करा वो आज भी चेक कर रहे हैं और जिन्होंने काम किया वो आज इस बिजनेस के डायमंड बन गए, इस बिजनेस के स्टार बन गए। इसलिए चेक करना बंद कर दीजिए। मैं हमेशा बोलता हूं कि पानी के किनारे पे खड़ा होकर गहराई
का अंदाजा नहीं लगाया जाता, आपको पानी में उतरना पड़ेगा, पानी के अंदर छलांग लगानी पड़ेगी, तब गहराई का अंदाजा लगेगा। और जब पानी में छलांग लगाओगे तो 100% गहराई में जाओगे, और जब गहराई में जाओगे तो अंदर से खूबसूरत मोती जरूर लेकर आओगे। और ये दुनिया का नियम होता है कि हर कष्ट के बाद, हर दुख के बाद एक खूबसूरत जिंदगी जरूर आती है, हर रात के बाद सवेरा जरूर आता है। इन बातों को आप समझिए, इन बातों को आप अपने दिल में बिठाइए फ्रेंड्स, ये बिजनेस आपको बहुत कुछ देके चला जाएगा। और मैं आज आपके सामने 1000 एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे बहुत से एग्जांपल आरसीएम के अंदर हैं, जो एक जमाने के अंदर किसी जमाने में सब्जी बेचा करते थे आज इस बिजनेस के करोड़पति हैं, किसी जमाने के अंदर ठेले पे काम किया करते थे आज इस बिजनेस के करोड़पति हैं, किसी जमाने के अंदर आज उनको कोई वैल्यू नहीं दी जाती थी मार्केट के अंदर, उनका कोई सम्मान नहीं किया जाता था, आज इस बिजनेस में करोड़पति हैं। उल्टा अब दूसरे एग्जाम्पल यहां पर और देता हूं, जो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स थे आज वो इस बिजनेस में पहले से करोड़पति थे और आज इस बिजनेस में आके सिक्योर हो गए। मैं आपको ऐसे बहुत से एग्जांपल देता हूं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे जिनके पास पैसा खूब था लेकिन सिक्योरिटी नहीं थी, लेकिन आज इस आरसीएम बिजनेस के अंदर आके उन्होंने पैसा तो कमाया ही कमाया, साथ में अपने परिवार की सिक्योरिटी भी कमा ली। कितनी बड़ी ताकत है इस बिजनेस की, कहां तक बताऊं इसकी, ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसकी जितनी डेप्थ में जाओगे उतना आपका दिमाग खराब हो जाएगा। अरे उन लोगों से क्या राय लेते हो जिन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं किया, हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है हम उन लोगों से राय लेते हैं, उन लोगों से डिस्कशन करते हैं जो फेल है, जो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाए। अक्सर लोगों को मैंने सुना है, मेरे पिताजी एक एग्जांपल दिया करते थे बड़ा शानदार था, अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे डॉक्टर से ही पूछना पड़ेगा डॉक्टर बनूं या नहीं बनूं, रिक्शे वाले से पूछूंगा तो रिक्शे वाला बोलेगा रिक्शा चला, ये बात मुझे आज भी उनकी याद आती है। तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं कि आरसीएम बिजनेस की नॉलेज उन लोगों से लेते हैं जो जिंदगी में पहले ही सफल है, वो आपको क्या नॉलेज देंगे। आप उन लोगों से संपर्क में आइए, आप उन लोगों से मिलिए जिनके पास इस बिजनेस की नॉलेज है, जिन्होंने इस बिजनेस में सफलता पाई और जिन्होंने इस बिजनेस के अंदर बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया। और ये वही लोग हैं जो आपके बीच से निकले हुए हैं, इनको कोई खरीद के नहीं लाया गया है। और एक बात यहां पर और क्लियर कर देना चाहता हूं आप सभी लोगों को, हम जितने भी लोग हैं हमें कंपनी सैलरी नहीं देती, हम सैलरी बेस पर नहीं है, हम कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, हम आप भी कितने का आम आदमी थे लेकिन कंपनी की इस पॉलिसी को, कंपनी के सिस्टम को हमने समझा या हमारे परिवार में लोगों ने समझा और उसका रिजल्ट है कि आज हम आप लोगों के सामने मौजूद है। सबसे बड़ी बात, मैं अपनी मीटिंगों में अक्सर कहा करता था और लोगों को बताया करता था कि यंगस्टर, नया यूथ जहां कंपटीशन फाइट करके वो एग्जाम देता है और आगे बढ़ता है नौकरी के लिए, और लेकिन जब वो नौकरी की फाइट करता है तो वैकेंसी लिमिटेड होती है पर फाइट करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होती है और उन लिमिटेड लोगों को नौकरी मिल जाती है और बाकी लोग संघर्ष कर रहे होते हैं जिंदगी के अंदर, संघर्ष करते करते वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। आज मैं बात किया करता था भविष्य की, मैं ये सोचा करता था कि ऐसी सिचुएशन अभी क्रिएट नहीं होगी, ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने में कम से कम 20-25 साल लग जाएंगे, लेकिन इस वायरस ने एक दिन के अंदर हमें यह बता दिया कि भैया मैं आ गया हूं और मैंने आपके देश की और पूरे विश्व की हालत खराब कर दी है। सोच कर देखिए, आज पूरा विश्व रुका पड़ा है, हम लोग रुके पड़े हैं, हम लोग घरों में बैठे हैं, कई यहां पर ऐसे लोग बैठे हैं आज की तारीख में 80% जो नौकरी के ऊपर अपनी आजीविका को चला रहे थे, थोड़ी बहुत सेविंग करी उनसे परिवार का खर्चा निकाल रहे हैं, और कब तक निकालेंगे, कब तक, क्योंकि वो लिमिटेशन, आपने जो थोड़ी बहुत सेविंग करी है वो एक लिमिट के बाद खत्म हो जाएगी, उसके बाद आप वापस से बाहर निकलेंगे, वापस आप इनकम के लिए हाथ पैर मारेंगे और आपको जब मार्केट में जाएंगे तो आपको ये पता लगेगा कि मार्केट का सिनेरियो तो बिगड़ चुका है, बड़े बड़े इन्वेस्टर हाथ खड़े कर चुके, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद पड़ी है, चालू करने के लिए मजदूर चाहिए और मजदूर गांव जा चुके, वो गांव से आना नहीं चाहते क्योंकि जो उन्होंने माहौल देखा उससे डर गए। अब फैक्ट्री चालू करने के लिए मजदूर चाहिए, मजदूर गांव से आना नहीं चाहते, इसका मतलब फैक्ट्री चालू होगी नहीं, और फैक्ट्रियां चालू होगी नहीं तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था और ज्यादा खराब होगी। बचा क्या, नौकरियां पहले ही मैंने बताया कि कंपटीशन का दौर था, और मैं तो पहले भविष्य की बात किया करता था, अब तो मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। एक बाप हमेशा अपने बेटे को एक नॉलेज शिक्षा दिया करता था, एक पिता हमेशा अपने बेटे को एक चीज सिखाया करता था कि बेटा अच्छी पढ़ाई कर, तेरे को एक अच्छी जॉब, एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अब तो जो पिता सिखाया करता था उसकी खुद की जॉब खतरे में, वो खुद सोच रहा है कि अब मैं क्या करूंगा, इस कॉम्पिटिशन के दौर में मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, क्योंकि वो खुद डरा हुआ है, उसे खुद को डर लग रहा है कि अगर मेरी फैक्ट्री के अंदर मुझे काम पर नहीं बुलाया तो मैं क्या करूंगा। और मैं सुन रहा हूं कि कई जगह पर जब फैक्ट्री में लोग काम पर बुला रहे हैं तो उनकी इनकम काट रहे हैं, किसी की 30% सैलरी काट ली गई, किसी की 40% सैलरी काट ली गई, किसी की 50% सैलरी काट ली गई। अब मुझे बताइए सिक्योरिटी कहां बची है, टोटल किस जगह पर सिक्योरिटी बची, कहीं नहीं है। और इस पूरे सिनेरियो में जहां सब बंद पड़ा है, एक काम कर रही है कंपनी, एक सिस्टम चल रहा है जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग, और उसमें आरसीएम अभी भी लगातार काम कर रही है। और आश्चर्य की बात देखिए कि इस कंडीशन में भी प्रोडक्ट्स पे प्रोडक्ट लॉन्च किए जा रही है, अभी भी प्रोडक्ट्स के ऊपर लॉन्चिंग कंपनी की रुक नहीं रही,
और एज पर सिचुएशन प्रोडक्ट लाने के लिए आरसीएम तैयार हो रही है। दो प्रोडक्ट बहुत शानदार लॉन्च हुए जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूं, वो भी इसी परिस्थिति के अंदर जहां पर आज पूरा विश्व रुका पड़ा है, हिंदुस्तान एक लॉकडाउन से निकल रहा है, वहां पर भी आरसीएम के दो खूबसूरत प्रोडक्ट आप लोगों के हाथ में है। एक पहला प्रोडक्ट सैनिटाइजर जिसकी रिक्वायरमेंट अभी हम सबको है। देखिए आरसीएम ने सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके लिए प्रोडक्ट लॉन्च किया, आपके बारे में सोचा, खुद के बारे में नहीं सोचा। आरसीएम चाहती तो प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करती, मना कर सकती थी, लेकिन आरसीएम की ताकत देखिए कि आज जिस चीज की जरूरत पूरे हिंदुस्तान को है वो प्रोडक्ट आरसीएम समय के हिसाब से लेकर आ रही है, और वो भी हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए, जिससे हम किसी ऐसे वायरस का शिकार ना हो। पहला प्रोडक्ट सैनिटाइजर जिसकी रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व बोल रहा है। दूसरा प्रोडक्ट इम्यून पावर को स्ट्रांग करने के लिए, इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए एक एनर्जी ड्रिंक जो गुड डॉट ने लॉन्च किया। ये दो प्रोडक्ट इस समय आपके सामने है, इस कंडीशन पर भी लॉन्च किया जिससे कि आपकी इम्यूनिटी पावर अंदर से मजबूत हो, आपकी ताकत बढ़े, आप इस वायरस से लड़ पाए, इस वायरस से कि आप हर तरह के वायरस से लड़ पाए। ऐसी सिचुएशन के लिए आपके लिए गुड डॉट एक शानदार प्रोडक्ट लेकर आई। न्यूट्रीचार्ज आए दिन ट्रेडिंग कर रहा है आप लोगों के लिए, आए दिन वो नए प्रोडक्ट्स आप तक पहुंचा रहा है, एक से एक शानदार प्रोडक्ट इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए न्यूट्रीचार्ज आपके लिए लेकर आया। हमारा सिस्टम, हमारे पार्टनर्स लगातार हमारे परिवार, हमारे घर वालों को इस वायरस से बचाने के लिए भी मेहनत कर रहे हैं, और ये ताकत है इस बिजनेस की, जहां पर पूरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं कि भैया मैं अपने परिवार को इस परिस्थिति से सिक्योर कर लूं, वहां पर आरसीएम और आरसीएम के जितने भी चैनल पार्टनर, जितने भी हमारे परिवार का हिस्सा है, वो हमारे परिवारों के लिए, हमारे जैसे डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए, हमारे जैसे डायरेक्ट सेलरों के लिए सोच रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी सोच है इस बिजनेस की कि जहां पर सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ दिख रहा है उसके बाद भी हमारी प्लानिंग, हमारे लिए प्लानिंग की जा रही है। तो मैं सल्यूट करता हूं ऐसे सिस्टम को, और मैं आप लोगों से भी कहता हूं कि आप सब इस सिस्टम को देखें ढंग से, अपने पड़ोसी रिश्तेदार से सिस्टम को ढंग से समझें कि सिस्टम क्या दे सकता है। तो फ्रेंड्स, इस कंडीशन के अंदर आपको कैसे वर्किंग करनी है, मैं उस पर थोड़ा सा वापस से फोकस करना चाहूंगा। इस समय जो माहौल, जो कंडीशन हमारी बनी हुई है, इस समय आपको अपनी वर्किंग एबिलिटी को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। इस समय आपको अपनी वर्किंग जो कैपेसिटी है उसको थोड़ा सा और डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय हम सब घरों में, इस समय हम सिक्योर हैं, और इस समय सबसे बड़ा हमारे पास एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि इस कंडीशन के अंदर आपका बिजनेस बहुत बड़ा रूप कैसे ले सकता है, मैं थोड़ा सा उस पर फोकस करना चाहूंगा। क्योंकि इस समय लोग गाड़ियां नहीं खरीदेंगे, इस समय लोग जमीनें नहीं खरीदेंगे, इस समय लोग सोना नहीं खरीदेंगे, इस समय लोग कहीं बाहर घूमने नहीं जाएंगे, लेकिन इस समय वो अपने परिवार के लिए राशन और अपने परिवार को सिक्योर करने का वो सारा सामान अपने पास इकट्ठा करके रखेंगे जिसकी जरूरत हो सकता है भविष्य में पड़ जाए। क्योंकि इंसान कुछ करे ना करे दो वक्त की रोटी का जुगाड़ जरूर करेगा, और यह आपके पास एक बहुत बड़ा मौका है जिसमें आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग में हिंदुस्तान का वो सिस्टम है जिसके पास वो सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, और उस रेट पर अवेलेबल हैं जिस रेट की कल्पना दूसरे लोग कर ही नहीं पा रहे। आप सोच कर देखिए, वो सारे प्रोडक्ट्स जो आज मार्केट में हमें चाहिए, जिनकी रिक्वायरमेंट हमारे पास है, चाहे वो आटा हो, चाहे वो दाल हो, चाहे वो नमक हो, चाहे वो मसाले हो, चाहे वो साबुन हो, चाहे वो सर्फ हो, चाहे वो सैनिटाइजर हो, चाहे वो हमारे इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के प्रोडक्ट हो, चाहे वो हेल्थ से लेकर रिलेटेड प्रोडक्ट हो, वो सारे प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल हैं। तो आपके पास बहुत अच्छा इस समय मौका है, और इस समय आपको अपनी वर्किंग एबिलिटी को थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा। और यहां पर आप अगर अपनी टीम से 2 घंटा बात किया करते थे तो 4 घंटा स्टार्ट कर दीजिए, 4 घंटे करते थे तो 6 घंटा स्टार्ट कर दीजिए, 6 घंटे करते थे तो उसको बढ़ा के 8 घंटा कर दीजिए, आप 2 दिन करते थे तो 4 दिन कर दीजिए। मतलब इस समय आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम के साथ टच में रहना है, क्योंकि इस समय वो कंडीशन है जहां पर अगर आपने अपनी टीम को पॉजिटिव रखा और आप अपनी टीम के टच में रेगुलर रहे, तो कहीं ना कहीं जब ये चैलेंजेस खत्म होंगे तो आपकी टीम के लिए आप भगवान बन जाएंगे, क्योंकि इस परिस्थिति में भी आपने उनको संभाला। तो वर्किंग एबिलिटी को आपको इस समय बढ़ाना है और अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा टच में लेके आना है, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि उनको YouTube चैनल और यूनिक एजुकेशन सिस्टम के चैनल पर लेकर आइए, जिससे हम तो उनको पॉजिटिव करेंगे ही करेंगे, साथ में वो आप भी उनको पॉजिटिव कर पाएंगे, और एक अच्छे सिस्टम को हम वापस से घर में बैठ के डेवलप कर। तो हमें हमारी बाइंग कैपेसिटी को बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप पहले 5,000 का सामान खरीद रहे थे तो उसको 8,000 कर दीजिए, 8,000 का खरीद रहे थे तो 12,000 का कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों परिस्थितियां कभी कहकर नहीं आती, बुरा वक्त कभी कहकर नहीं आता कि मैं आ रहा हूं। अगर आपको बुरे वक्त से बचना है, आपको बुरे वक्त से अपने आप को सिक्योर करना है, तो आपको अपनी बाइंग कैपेसिटी बढ़ानी ही पड़ेगी, और कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके आसपास के माहौल में जो लोग रहते हैं वो इस समय मार्केट से सामान नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उनके अंदर एक डर है,
उनके एक डर अंदर एक डर है कि कल को अगर ये मैं सामान लेकर आया तो इसके साथ कोई ऐसी कंडीशन ऐसा कोई वायरस मेरे घर में ना आ जाए। तो आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल रहेगा तो आप जल्दी से उनको वो प्रोडक्ट दे पाएंगे, उनके घरों में प्रोडक्ट पहुंचा पाएंगे, उनको बिजनेस की जानकारी दे पाएंगे, उनको प्रोडक्ट की जानकारी दे पाएंगे, उनको प्रोडक्ट की रेट बता पाएंगे और उनको इस क्वालिटी के बारे में भी बता पाएंगे कि किस तरीके से प्रोडक्ट बनता है और किस तरीके से सुरक्षित तरीके से आपके घरों में ये प्रोडक्ट आता है। तो मेरे हिसाब से इस समय बाइंग कैपेसिटी को बढ़ा लेना चाहिए बहुत ज्यादा, और ये आपको अपनी डाउनलाइन को भी सिखाना है, आप तक नहीं रखना है, इन बातों को आपको आपकी डाउनलाइन को भी सिखाना है कि आप लोगों को भी अपनी बाइंग कैपेसिटी को बढ़ाना है। मैं यहां पर किसी से ये नहीं कहता कि उस लिमिटेशन को इतना ज्यादा कर दीजिए कि आपका बजट बिगड़ जाए, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि उसकी लिमिटेशन को इतना जरूर रखिए कि जिससे आप अपने बाकी के काम भी कर सकें और आरसीएम की बाइंग कैपेसिटी को भी आप बढ़ा सकें, क्योंकि मैक्सिमम 70-80% प्रोडक्ट तो हमारे पास अवेलेबल है जो आपको डेली यूज में आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं इससे आपके बिजनेस को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। और यहां पर एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं कि आप कभी किसी दुकान के ऊपर कोई सामान लेने जाते हैं मार्केट में जो आरसीएम में सामान अवेलेबल नहीं है, तो आप देखते हैं कि दुकानदार के पास सामान पड़ा है और आप जैसे ही मांगते हैं आपको फटाफट से दे देता है। क्यों? क्योंकि उसके पास प्रोडक्ट पड़ा है, उसकी शॉप में प्रोडक्ट है, इसलिए वो आपको कंज्यूमर समझ के फटाफट से दे देता है, क्योंकि आप कंज्यूमर है उसके बन जाते हैं। उसी तरीके से अगर आपके घरों में ये सामान पड़ा रहेगा एक्स्ट्रा, तो आप भी अपने अड़ोस पड़ोस को फटाफट वो मांगेगा दे सकते हैं, क्योंकि कोई कब क्या मांग ले पता नहीं। मैं मेरा एग्जांपल देता हूं, मेरे पड़ोसी ने मेरे को फटाफट से बोला कि सर मेरे को आटा चाहिए। अब उन्होंने एकदम से बोला, अब मेरे पास दो रास्ते हैं कि या तो लॉकडाउन के अंदर मैं इंतजार करूं कि आटा लेने जाऊं, या मैं ऑलरेडी आटा परचेज करके अपने पास रख लूं जिससे फटाफट मैंने उनको दे दूं। और मैंने यही किया, मेरे पास लगभग 100 किलो आटा था, मैंने 100 किलो आटा में से उनको 20 किलो की पैकेट दे दिए, आरसीएम का अपना बहुत शानदार आटा आप सभी जानते हैं। मैंने उनको 5-5 किलो के 4 पैकेट दे दिए कि ये ले जाइए फटाफट से। उन्होंने आटा यूज में लिया, उनको पसंद आया तो उनकी डिमांड बढ़ी, जब उनको आटा अच्छा लगा तो मैंने और प्रोडक्ट की तारीफ करी। तो इस तरीके से धीरे 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 मैंने अपने आसपास के पूरे माहौल को और पॉजिटिव किया। पॉजिटिव वो पहले भी थे क्योंकि वो जानते थे कि आरसीएम के प्रोडक्ट अच्छे हैं, लेकिन मैंने और प्रोडक्ट्स को लेके, दूसरे प्रोडक्ट को लेके उनको और पॉजिटिव किया। तो एक अच्छा मौका है कि अगर आपने अपनी बाइंग कैपेसिटी को बढ़ा लिया तो इस समय आप अपने आस पड़ोस को पॉजिटिव कर सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की रेंज को बढ़ा सकते हैं। हो सकता है वो पहले आपसे तेल ले रहे हो, लेकिन अगर अब आप उन्होंने आटा दिया, नमक दिया, तो इसकी तारीफ, इस क्वालिटी की तारीफ करने का आपके पास बहुत अच्छा मौका है। तो इससे आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट की रेंज उनके घरों में बढ़ जाएगी, तो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा मौका है। नेक्स्ट पॉइंट पे मैं बात करता हूं और वो है पिकअप सेंटर्स। इस समय डिपो और पिकअप सेंटर्स का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि ये हमारी कमर, हमारी बैकबोन है। तो दोस्तों ये हमारी वो हड्डी है बीच की जिसके ऊपर हम टिके हुए हैं, कंपनी और हमारे बीच का एक जरिया है। तो इस समय में जितने भी हिंदुस्तान के डिपोज और पिकअप सेंटर हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनकी हौसला अफजाई कीजिए, इनको एनर्जी दीजिए, इनकी इज्जत कीजिए, इनके साथ बराबर कोऑपरेट कीजिए इस समय के अंदर। क्योंकि फ्रेंड्स जिस तरीके से हमारे देश का पुलिसकर्मी, जिस तरीके से हमारे देश का डॉक्टर, जिस तरीके से हमारे देश के सफाई कर्मी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पहले 8 घंटे मेहनत किया करते हैं, अभी 24 घंटे कर रहे हैं। मैं कई बार देखता हूं कि 24 घंटे या 24 दिनों तक डॉक्टर अपने घर नहीं जा रहे। मैं देखता हूं कि वो अपने बच्चे, अपनी बीवी से दूरियां बना के हमारे परिवारों का ध्यान रख रहे हैं। उस हॉस्पिटल में जो लोग आते हैं उन लोगों का ध्यान रख रहे हैं, उनकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। पुलिसकर्मी जो आज अपना काम छोड़ के सड़क के कोने पर कड़ी धूप में खड़ा रहता है जिससे कि कोई वायरस का या किसी तरह का कोई चैलेंज या लॉकडाउन ना टूटे, उन चीज़ों का वो ध्यान रखता है, वो एक ईमानदारी से अपना काम करता है। एक सफाई कर्मी जो हमारे घर के बाहर आके कचरा उठा के लेके जाता है, हमारा पता नहीं उसको खुद को इन कचरे में क्या क्या है, लेकिन वो इकट्ठा करके ले जाता है, ये लोग महान है दोस्तों। और इन्हीं की तरह से मैं आज अपने पिकअप सेंटर्स और डिपो को भी मानता हूं कि वो लोग भी आज किसी भी सिचुएशन के अंदर अगर 2 घंटा भी दुकान खोल पा रहे हैं आपके इलाके में, आपके एरिए के अंदर, या 4 घंटा भी खोल पा रहे हैं, और अगर नहीं भी खोल पा रहे तो कोई बात नहीं, उनको एनर्जी दीजिए कि आप खोलिए, हम आपके साथ खड़े हैं। तो आज ये लोग भी किसी पिकअप सेंटर, सॉरी किसी पुलिसकर्मी, किसी डॉक्टर या किसी सफाई कर्मी की तरह कम काम नहीं कर रहे। तो मैं सैल्यूट करता हूं सारे डिपोज को, सारे पिकअप सेंटर वालों को, और मैं आपकी रेस्पेक्ट करता हूं। और जितने भी डायरेक्ट सेलर हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इनके एनर्जी लेवल को बढ़ाइए, इनके एनर्जी लेवल को घटाइए मत। अगर इनके पास प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो उनको ये मत बोलिए कि यार तुम्हारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल क्यों नहीं है, सिचुएशन वो भी रखना चाहते हैं। लेकिन आगे से अभी प्रोडक्शन धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे हमारे तक पहुंचेगा, कंपनी प्रोडक्शन चालू हो गया है, हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, उस समय को आपको उनके साथ कोऑपरेट करके निभाना है बहुत अच्छे तरीके से। और अगर आपने अपने पिकअप सेंटर की रेस्पेक्ट करी उनकी, चाहे वो क्रॉस लेग का हो चाहे किसी भी लेग का हो, अगर आपने पिकअप सेंटर की रेस्पेक्ट करी, उनकी भावनाओं को समझा, तो जब प्रोडक्ट आएगा वो सबसे पहले आप ही को फोन करेंगे, क्योंकि आप उनकी भावनाओं को समझ रहे हैं। और यही बात
यही चीज मैं हिंदुस्तान के सारे डिपो और पिकअप सेंटर वालों को भी समझाना चाहता हूं कि आप भी डायरेक्ट सेलर के साथ बहुत अच्छे से ट्रीट करें, क्योंकि एक डायरेक्ट सेलर अगर आपकी दुकान पर आता है या आपके पिकअप सेंटर पर आता है या आपको कॉल करता है कि मैं आ रहा हूं, तो आप उसको रेस्पेक्ट दीजिए, आप उसको मना मत कीजिए, उसको बोलिए बहुत अच्छी बात आप पधारिए, हो सकता है आप एक घंटे बाद अवेलेबल हो या दो घंटे बाद अवेलेबल हो, तो उस डायरेक्ट सेलर को आप टाइम दे दीजिए, लेकिन आप उसको मना मत कीजिए, इससे उसका एनर्जी लेवल बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूटर को कभी एनर्जी लेवल बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो मैं पिकअप सेंटर वालों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी डिस्ट्रीब्यूटर को कॉपरेट कीजिए। अगर डिस्ट्रीब्यूटर और पिकअप सेंटर और डिपोज, अगर आप लोगों ने इस समय में एक होकर इस सिचुएशन के और इस कंडीशन के अंदर अपनी ताकत दिखा दी, तो मैं गारंटी देता हूं फ्रेंड्स, बिजनेस तो बचेगा ही बचेगा, लेकिन आपसी भावना, आपसी प्रेम और ऐसे कितने भी चैलेंजेस आ जाएं, आप लोग मिलके खत्म कर देंगे और आप लोग मिलके उसको फिनिश कर देंगे। छोटी छोटी चीजों पे शिकायत करना बंद कर दीजिए कि सर ये प्रोडक्ट नहीं है, वो प्रोडक्ट नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये चलता रहता है। अरे सोचकर देखिए 2000-2001 की बात, जब बड़े बड़े लीडरों ने एक प्रोडक्ट के ऊपर, मात्र एक पैंट पीस के ऊपर इतिहास रच दिया, एक पैंट पीस के ऊपर लोगों ने जिंदगियां बना दी लोगों की, जब एक प्रोडक्ट छोटा सा प्रोडक्ट उसके ऊपर लोगों ने आग लगा दी पूरे हिंदुस्तान के अंदर, तो आपके पास कम से कम इतने प्रोडक्ट तो हैं जहां पर आप इजी गोइंग अपने बिजनेस को बहुत बड़ा रूप दे सकते हैं। कम से कम पिकअप सेंटर में 4 प्रोडक्ट तो अवेलेबल हैं, जब एक पैंट पीस से लोग रॉयल्टियां और टेक्निकल निकाल सकते हैं, एक पैंट पीस से लोग 1-1 लाख रुपए के चेक बना सकते हैं, तो आपके साथ, आपके पास, आपके नियरेस्ट पिकअप सेंटर पे इतने प्रोडक्ट तो अवेलेबल है कि आप उसके ऊपर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो पॉजिटिव ढूंढिए, हमेशा नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी को निकालने का प्रयास कीजिए, नेगेटिव मत सोचिए, नेगेटिव दिमाग में मत लाइए, ये पार्ट है, चला जाएगा, ये वक्त है, खत्म हो जाएगा, बातें रह जाएंगी, सिर्फ बातें रह जाएंगी। आज आप जो ढंग से बातें करेंगे वो बातें रह जाएंगी, इन बातों को अगर आपने ढंग से लोगों से करा या ढंग से इन बातों को महसूस करवाया अपनी टीम को, तो ये बातें जिंदगी भर उनके दिमाग में रह जाएगी। समय बुरा चला जाता है पर बातें इंसान कभी नहीं भूलता। तो मैं आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा मेरे इस पॉइंट के ऊपर कि हम एक दूसरे के बहुत अच्छे इस समय पूरक हैं और हमें साथ मिलकर काम करना है। इन 4 चीजों पर अगर आप जितने डायरेक्ट सेलर हैं इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर आप लोगों ने काम कर लिया, तो कमाल हो जाएगा, गजब का रेस्पॉन्स आप लोगों को मिलेगा और आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छा डेवलप कर पाएंगे। और याद रखिए, जब ये चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे और आप बड़े बड़े सेमिनारों में आएंगे, तो आप भी टीम आपको किसी भगवान से कम नहीं समझेगी, क्योंकि इस बुरे वक्त में आप लोगों ने उनका साथ दिया। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर बहुत अच्छा काम करना है। और अब मैं बात करूंगा थोड़ा सा उन लोगों के साथ जो नए लोग सिस्टम को देख रहे हैं, मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा कि आप अगर मेरी बातों को समझ पाए, मेरी स्टोरी समझ पाए, मैंने जो स्टोरी आप लोगों से शेयर करी, उसके बाद मैंने RCM की वो पावर आप लोगों के साथ शेयर करी, उसके बाद मैंने आप लोगों को आपकी वैल्यू बताई, किस तरीके से आप अपनी वैल्यू कर सकते हैं, उसके बाद मैंने इस चैलेंजेस, ऐसे चैलेंजेस जो बार बार आते हैं, उसके ऊपर मैंने डिस्कशन किया। अब मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं आप नए लोगों के साथ भी और पुराने लोगों के साथ भी कि किस तरीके से हमें इस टाइम वर्किंग अपने चक्र को तैयार करना है। इसको मैंने नाम दिया है RCM चक्र, और इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले अगर आपको मेरी सारी बातें समझ में आई और अगर आप कमिटमेंट या डिसीजन लेते हैं कुछ करने का, तो पहला काम आपको फेथ लेवल जनरेट करना पड़ेगा। आपको अपना फेथ लेवल बड़ा करना पड़ेगा, आपको अपने फेथ लेवल को डेवलप करना पड़ेगा। और फेथ लेवल 2 तरीके के होंगे, पहला फेथ लेवल होगा RCM के ऊपर और दूसरा फेथ लेवल होगा खुद के ऊपर। RCM पे अगर आपका फेथ लेवल RCM पे स्ट्रांग हो जाता है, तो पहली चीज आपको RCM के ऊपर अपना फेथ लेवल को मजबूत करना पड़ेगा, इस तरीके से कि मैं कंपनी के बारे में जान चुका, कंपनी की नॉलेज मैं ले चुका, कंपनी पिछले 20 साल से काम कर रही है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत है, ये मैक्सिमम प्रोडक्ट बना रही है और ये काफी लंबे समय से प्लानिंग करके चल रही है, इसका मतलब ये हमारा भविष्य सिक्योर कर सकती है। इस चीजों के ऊपर आपको अपने आप को स्ट्रांग करना पड़ेगा। और ये नॉलेज अगर आपको नहीं मिल पा रही, तो आप अपनी अपलायंस से या जिसने भी आपको इन्वाइट किया उससे ले सकते हैं। तो सबसे पहला काम, आपके फेथ लेवल का पहला वर्क, आपका खुद का फेथ लेवल का, सॉरी RCM का फेथ लेवल आपको मजबूत करना पड़ेगा। तो RCM पर जब आपका फेथ लेवल मजबूत हो जाएगा, तो सेकंड वर्क आपको खुद को, अपना खुद का फेथ लेवल मजबूत करना पड़ेगा। और वो कैसे, कि यस मैंने कंपनी की नॉलेज ले ली है, मैंने कंपनी के बारे में जान लिया है, अब मैं अपने आप से एक वादा और अपने आप से एक कमिटमेंट करता हूं कि 5 साल अब मैं RCM को नहीं छोड़ने वाला, 5 साल में डेडिकेट होकर इस सिस्टम की उन सभी बातों को मानूंगा जो मेरे सीनियर्स मुझे कहेंगे। इन चीजों के ऊपर अब आपको काम करना है। तो दूसरा, आपको खुद को अपना फेथ लेवल बढ़ाना है और अपने आप से कमिटमेंट करना है। अब देखिए, ये 2 काम अगर आप कर देंगे, तो यहां से आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी और आपका फेथ लेवल स्टार्ट हो जाएगा। और जब फेथ लेवल डेवलप हो गया और वो स्टार्ट हो गया, तो आप आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद सेकंड वर्क आपको करना है प्रोडक्ट यूज में लेना। प्रोडक्ट हमारे बिजनेस की वो जान है, कहते हैं कि तेल तो तिलों से ही निकलता है, उसी तरीके से हमारी जिंदगी की जितनी भी ख्वाहिशें हैं, हम जो पूरी करना चाहते हैं, वो प्रोडक्ट के द्वारा ही निकल पाएगी। तो प्रोडक्ट हमारे घर में होना बहुत जरूरी है। तो मैं जितने भी नए लोग या जितने भी पुराने लोग या जितने भी लोग अब तक इस बिजनेस को कर रहे हैं या अपनी दुकान
जिन्होंने अपने घरों में खोली है, वो भी अपनों के लिए, अब तो सबके लिए खोल दीजिए, तो मैं सबको खुलवा दीजिए, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्रोडक्ट अपने घरों में रखिए, प्रोडक्ट की जानकारी लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि प्रोडक्ट अगर आपके हाथ में होगा, और प्रोडक्ट हाथ में होने का मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट हाथ में लेना ही नहीं है, उसको काम में लेना भी है, उसको यूज भी लेना है, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट यूज में लेना है, जिससे कि आप उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को जान सकें, और जब आप उस प्रोडक्ट की क्वालिटी में अपना विश्वास पैदा कर लेंगे, तो आप किसी थर्ड आदमी को जब बताने जाएंगे तो आप नहीं बोल रहे होंगे, आपका विश्वास बोल रहा होगा उस प्रोडक्ट को लेके, राइट सर। तो प्रोडक्ट हर आदमी को परचेज करना बहुत जरूरी है, और अगर आपकी को लगता है कि मैं किसी कारण से प्रोडक्ट के दुकान पर नहीं पहुंच पा रहा या मैं परचेज नहीं कर पा रहा, तो कोई बात नहीं, आप अपनी अप्लाई से कॉन्टेक्ट कीजिए, वो आपको अवेलेबल करवाएगी, या उसके पास अगर प्रोडक्ट पड़े होंगे तो वो आपको देगी। तो अल्टीमेटली आपको प्रोडक्ट्स के ऊपर वर्किंग करना है, वो है सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप, आपको टीम डेवलप करनी है। जब आप खुद सेटिस्फाई हो जाएंगे, आपका फेथ लेवल बढ़ गया, आप प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो गए, आपका विश्वास स्ट्रांग हो गया, अब आपको काम करना है टीम के ऊपर, आपको धीरे धीरे अपनी टीम को डेवलप करना है, धीरे धीरे। थोपना नहीं है आरसीएम, समझाना है। थोपने से आरसीएम नहीं चलता, समझाने से चलता है। आप समझाइए प्रोडक्ट की क्वालिटी, समझाइए पहले प्रोडक्ट बताइए, आरसीएम ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। पहले प्रोडक्ट समझाइए, आरसीएम ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी को शेयर कीजिए, इनकम बाद में शेयर कीजिए। अभी हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, इनकम पहले शेयर कर लेते हैं और प्रोडक्ट बाद में बताते हैं, तो आदमी हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए, लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर आपने उसको समझा दी और खिला दी तो प्रोडक्ट बोलेगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद धीरे धीरे अपनी टीम डेवलप कीजिए, और जब आपकी टीम डेवलप हो जाएगी, तो उसके बाद यह सारा काम आप अकेले नहीं कर रहे होंगे, पहले आप एक थे, अब टीम कर रही होगी, और टीम भी वही काम करेगी क्या जो आपने किया, फेथ लेवल बढ़ाना, प्रोडक्ट यूज में लेना, फेथ लेवल में आरसीएम के ऊपर फेथ लेवल बढ़ाना, उसके बाद खुद पर फेथ लेवल बढ़ाना, उसके बाद प्रोडक्ट को यूज में लेना, प्रोडक्ट पे विश्वास पैदा करना, उसके बाद वो भी टीम बनाएगी, और टीम बना के वापस से सारे के सारे मिलके एक साथ बोलेंगे जय आरसीएम। तो ये ताकत, ये पावर, ये चक्र, जिसे मैं आरसीएम चक्र बोल रहा हूं, ये चक्र आपका एक तैयार हो जाएगा, और इस चक्र से आप अपने बिजनेस को बहुत बड़ा रूप दे पाएंगे, और आप बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। तो दोस्तों, इन चीजों के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताई है, जो कंडीशन, जो सिचुएशन हमारे साथ बनी हुई है को भी लेके, और जिस तरीके से हम आरसीएम के अंदर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, वो चीजें मैंने दोनों को मर्ज करके बताया। मैं आप लोगों से वादा करता हूं, मैं आप लोगों से कमिटमेंट करता हूं कि हम ऐसे ही आप लोगों के साथ बने रहेंगे, इसी तरीके से आपके बिजनेस को बड़ा करने के लिए हम लोग मेहनत करेंगे। ये मानकर चलिए जितना मेहनत आप वहां पर कर रहे हैं, उतनी मेहनत हम लोग यहां पर कर रहे हैं। पूरा यूनिक एजुकेशन सिस्टम दिन रात आपके बिजनेस को बड़ा करने के लिए इकट्ठा हो रखा है, दिन रात वो आपके बिजनेस को बड़ा रूप देने के लिए आपस में डिस्कशन करता है, बातें करता है कि किस तरीके से हिंदुस्तान का वो आदमी जो आज हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बन पाया, कैसे हम उसके अपने परिवार का हिस्सा बनाए, और हिस्सा बना के कैसे उसके परिवार को सिक्योर करें। इन चीजों के ऊपर आरसीएम दिन रात मेहनत कर रहा है, यूनिक एजुकेशन सिस्टम दिन रात मेहनत कर रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यहां पर पूरे यूनिक एजुकेशन सिस्टम के जितने भी कोर लीडर हैं, आपका डेडिकेशन और आपका कमिटमेंट कमाल का है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यहां पर पूरे आरसीएम के स्टाफ को और ऑनरेबल श्री तिलोक चंद छाबड़ा जी को कि इस कंडीशन के अंदर भी वो नए नए प्रोडक्ट एज पर सिचुएशन हमारे लिए लेकर आ रहे हैं। ये सब इनकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। दोस्तों, हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमारे ऊपर सिर्फ एक जिम्मेदारी है, और वो इतना सा कि हम इस बिजनेस की भावना को समझें और ये भावना लोगों तक पहुंचा दें। ये जिम्मेदारी अगर हमने अच्छे से निभा दी और इन चीजों को हमने फॉलो कर लिया, तो मैं वादा करता हूं हर घर के अंदर एक रवि शर्मा पैदा हो जाएगा, हर घर के अंदर आरसीएम का वो कोर लीडर पैदा हो जाएगा जिसे आप प्यार करते हैं, हर घर के अंदर एक ऐसा डायनामिक पर्सनैलिटी तैयार हो जाएगी जो आपका रियल हीरो है, जिससे आपकी नजर में आप हीरो मानते हैं, वो सब आपके घरों में तैयार हो जाएंगे। उन जैसा आपको अगर बनना है तो आपको इन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों, हमेशा कोई भी सफलता पहले कुर्बानी मांगती है, और अगर आपने अच्छे से कुर्बानी दे दी, आपने अच्छे से उस चीज को समझ लिया, तो ऐसी चीज आपके घरों में आ जाएगी। तो मैं दोनों कंडीशंस को आपके सामने मैं रख चुका हूं। यहां पर मैंने पूरे अपने सिनेरियो के अंदर आप लोगों को मेरी स्टोरी से अवगत करवा दिया, उसके बाद मैंने आरसीएम की ताकत से आपको अवगत करवा दिया, उसके बाद मैंने आप लोगों को आपकी खुद की ताकत से अवगत करवा दिया कि किस तरीके से आप लोग बड़ा कर सकते हैं, उसके बाद मैंने इस वायरस को लेकर आप लोगों को तरीका बताया कि किस तरीके से आप इस वायरस से फाइट कर सकते हैं, उसके बाद मैंने नए लोगों को बता दिया कि किस तरीके से आपको टीम वर्क करना है, अपना आरसीएम चक्र बनाना है, उसके बाद मैंने यूएस के बारे में आप लोगों को इसकी जानकारी दी कि किस तरीके से यूएस बहुत बड़ा काम कर रही है आप लोगों के लिए और करती रहेगी। याद रखिए, पहले सेमिनार किया करते थे तो पूरा सिस्टम डेवलप हुआ, सेमिनार बंद हो गए तो हम वेबिनार पे आ गए, वेबिनार पे अगर ये भी बंद हो जाएगा तो हम किसी न किसी जरिए से आपके घरों में जरूर पहुंच जाएंगे, लेकिन पहुंचेंगे जरूर, यह हमारा वादा और यह हमारा कमिटमेंट है आप लोगों के साथ, और यही कमिटमेंट आप लोगों का हमसे चाहिए। इसलिए ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को लोगों के साथ शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल के
के ऊपर लेकर आइए, हम आपके लिए पसीना बहाने को तैयार हैं, हम आपके लिए मेहनत करने को तैयार हैं, सिर्फ इतना सहयोग आप लोग हमारा दे दीजिए, आप हमारे साथ मिल जाइए, हम और आप अगर एक हो जाएंगे तो हिंदुस्तान के अंदर इतिहास रच देंगे। नए उन परिवारों का हमारा स्वागत करते हैं, नए परिवारों को हम लेकर आएंगे जो परिवार हमारा हिस्सा बनना चाहते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ आप सभी लोगों का कि इतनी देर आप लोगों ने मेरी भावनाओं को सुना, मेरी बातों को आपने अपनाया, अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, और स्वागत करते हैं हम सभी का इस यूनिवर्सल सिस्टम के अंदर, एक इस यूनिवर्स कंपनी के अंदर, एक ऐसी कंपनी के अंदर जिसके विचार और आचार बहुत बड़े बड़े हैं। तो आप लोग सभी का स्वागत है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सभी लोगों का, स्वागत करता हूँ, नमस्कार, जय आरसीएम, थैंक यू सो मच।